हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और देखिए करेक्ट 5 बजे खड़ी हो जाती हूँ। मेरे अलार्म 5 बजे की सेट है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड जी, चेष्टा बाबू और बाबा जी तीनों सो रहे हैं। बाहर का व्यू देखिए ऐसा है। उसके बाद में मैं लॉक खोल देती हूँ और फिर मैं लोटा लेकर कॉलेज लाने के लिए चल देती हूँ। उससे पहले मैं चाय को चढ़ा देती हूँ, फिर मैं मतलब जाती हूँ तो क्या है, पानी आया हुआ मिल जाता है, मोटर को मैं चला देती हूँ और फिर मैं मेन गेट खोल देती हूँ और उसके बाद में मैं कॉलेज लाने के लिए चल देती हूँ। कोले मैं हमेशा सुबह और शाम दोनों टाइम सिलाती हूँ और कोले घूंघट के अंदर सिलाए जाते हैं, मतलब मेन गेट से बाहर, मतलब दोनों तरफ पानी और बीच में पानी डाला जाता है। ऐसे करके हरियाणा में सिलाए जाते हैं। मतलब हर जगह अलग अलग रीति रिवाज होता होगा, लेकिन हरियाणा में ऐसा होता है और मैं ऐसे ही करती हूँ और सुबह और शाम दोनों टाइम करती हूँ। उसके बाद में मैं चाय पीती हूँ और चाय पीने के बाद में क्या करती हूँ, मैं आग जलाने लग जाती हूँ क्योंकि गुन्नू को स्कूल में जाना है। यदि नहीं जाना होता है तो भी मैं पानी लगभग गर्म सुबह कर देती हूँ। हाँ, बहुत कम चांस ऐसे होते हैं जब मैं पानी थोड़ा लेट करती हूँ, नहीं तो मैं इस टाइम के ऊपर पानी के मतलब आग जलाने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए आग जला देती हूँ। देखिए आग को जला दिया है और उसके बाद में मैं हम चलने लगती हूँ तो मेरे को गौ माता दिख जाती है। बहुत सीधी गाय है, बहुत ही ज़्यादा सीधी है, बिल्कुल वाइट कलर की है ऊपर से नीचे तक। मतलब सिर्फ इसकी एक पूंछ का थोड़ा सा कोना ब्लैक है, नहीं तो पूरी सफ़ेद है। मतलब गुन्नू के पापा कह रहे थे ये बिल्कुल मतलब पूंछ भी पूरी सफ़ेद होती है, मतलब थोड़ा सा भी काला नहीं होता। तो मतलब ये जैसी गाय नहीं मिलती है, मतलब इसके अंदर मतलब वो कहते हैं भगवान का रूप होते वो वाला होता है, लेकिन बस थोड़ी पूंछ के कारण थोड़ा रह गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीधी है, किसी से कुछ भी नहीं। मतलब और गाय क्या होती है, वो घूमती रहती है, ये आराम से घूमेगी और खड़ी हो जाएगी। लेकिन और मतलब बदमाश दिखती भी है, ये नहीं दिखती है, वो बिल्कुल शरीफ है। बल खड़ी रहेगी थोड़ी देर और फिर मतलब इसको रोटी मिलती है फिर चल देती है। और फिर मैं उसको रात को बची हुई रोटियाँ दे देती हूँ, फिर मैं आटा लगा देती हूँ और आटा लगाने के बाद में मैं गुन्नू का मतलब बाहर निकलने का इंतज़ार करती हूँ। और आज बहुत मुश्किल से आग जली है, बहुत मुश्किल से, और इस टाइम के ऊपर सबका पानी गर्म हो गया है तो मैंने झाड़ू लगा दिया है। हाँ, गुन्नू नहाने के लिए गई हुई है तो मतलब नहाने का पानी किसका रह गया, मेरा और गुन्नू चेष्टा का, क्योंकि गुन्नू के पापा कह रहे हैं मैं अभी नहीं नहाऊंगा, मैं बाद में नहाऊंगा। तो मतलब अभी जितनों को नहाना था उसका पानी गर्म हो गया तो मैंने यहाँ से झाड़ू क्लियर कर दिया है। और जितने में थोड़ी मोटी छोटी मोटी लकड़ियाँ होती है वो सारी की सारी इसके अंदर डालती रहती हूँ ताकि वो यूज हो जाए। और इस टाइम के ऊपर मैंने नहा चुकी हूँ और देखिए मेरे बाबा जी को जल देने के लिए आ गई हूँ। ऊपर इस साइड में मेरे घर की पूर्व दिशा पड़ती है तो मैं यहाँ पर सूर्य देवता को जल दे रही हूँ। मेरा बाबूजी खड़ा हो चुका था टाइम से पहले, तो वो भी कहता है मम्मा चेचा भी मतलब चेष्टा भी देगी। उसके बाद में मैं चलती हूँ मेरे इष्ट देवता की पूजा करने के लिए, तो मेरा लाडू जी यहाँ पर भी आ जाता है और दोनों माँ बेटी मिलकर मतलब सूर्य देवता को मतलब पूजा कर ली, अब मेरे इष्ट देवता की कर ली। और उसके बाद में फिर मैं चल देती हूँ मेरी तुलसी मैया को, मतलब इन तीनों भगवानों की पूजा मैं डेली करती हूँ। मतलब ये नहीं कहती मैं ये करती हूँ, मैं सिर्फ धूप जलाती हूँ और सिंपल जल चढ़ाती हूँ और बस इतना ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। हाँ, मतलब आरती वगैरह मैं मन में गाती रहती हूँ, मतलब ज़ोर ज़ोर से नहीं गाती हूँ, मतलब कभी कभी ज़ोर से निकल जाए तो बात दूसरी होती है, लेकिन मैं मन के अंदर गाती रहती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने और बाबू जी ने पूरी की पूरी बाबा जी की पूजा कर ली है, जल चढ़ा दिया है, धूप लगा दी है और अब हम चल दिए हैं तुलसी मैया को जल देने के लिए। और मैं चलने लगती हूँ तो चेष्टा बाबू कहता है कि चेचा भी लगाएगी, तो उसको छोटी सी धूप लगा कर दे देती हूँ और वो वहाँ पर लगा देती है, थोड़ी सी मतलब उसको टच हो जाता है तो डर जाती है। और उसके बाद में ये रही हमारी तुलसी मैया और इसको मैंने जल दे दिया है। हाँ, सर्दी बढ़ने लगी है तो इसको भी मैं अब अंदर रखने की सोच रही हूँ, मतलब अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि इसको अंदर रखो। हाँ, लेकिन ज़्यादा तेज़ होते ही, सर्दी ज़्यादा तेज़ होते ही तुलसी मैया को मैं अंदर रख दूंगी। और ये देखिए मेरे बाबा जी को पहली बार की चाय और हमने दोबारा की चाय पी ली है। और यहाँ पर देखिए मैं हाँ मतलब सफाई करने की तैयारी के अंदर लग गई हूँ। हाँ, इस बीच में गुन्नू स्कूल में जा चुकी है, गुन्नू का खाना भी बना दिया था, सब कुछ कंप्लीट कर दिया था, टिफ़िन वगैरह पैक करके मतलब चोटी वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके स्कूल में भेज दिया था, मतलब नहाने से पहले। उसके जाने के बाद में मैं नहाती हूँ, मतलब तब तक नहीं नहाती हूँ, मतलब गुन्नू चली जाती है उसके बाद में मैं नहा लेती हूँ। और इस टाइम के ऊपर मैं मतलब मेरी अपनी सफाई वगैरह के अंदर लग गई हूँ। हाँ, चेष्टा बाबू मेरे पास में नहीं है, वो वहाँ पर पड़ोस में मौसी के यहाँ पर गई हुई है, मतलब कई चक्कर काटती रहती है, मतलब उसकी कोई गिनती नहीं होती है, मतलब एक बार यहाँ पर आएगी एक बार वहाँ पर जाएगी, ऐसे करके वो चक्कर काटती रहती है। हाँ बस, हाँ अपना टाइम पास करती रहती है, क्योंकि मतलब वो उसको देती हूँ बाबू खिलौने खेल ले तो खिलौने से भी खेल लेती है सारे काम, बस सब एक फ़ोन छोड़ दे और सारे के सारे अच्छे, इतनी देर
के अंदर देखिए मेरा बाबूजी आ जाता है, मैं झाड़ू लगाने लगती हूँ और फिर मेरा बाबूजी अब झाड़ू भी लगवाने लग गया साथ में। आज तो सुबह से मेरा बाबूजी हमेशा मेरे हर काम के अंदर साथ दे रहा है। देखते मतलब पहले पूजा पाठ करवा दी, सारे काम करवा दिए और अब वो झाड़ू भी लगवा रही है। उसके बाद में देखे मतलब पूरे जोर से, मतलब इसको ये नहीं पता कि कचरा किस साइड में लेकर जाना है, लेकिन इसको ये पता है ये कचरा है और इसको आगे करना है। बस कभी उस साइड कर देती है, कभी उस साइड कर देती है, मतलब ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि हाँ मैं आगे ले जाऊँ, लेकिन इसको डायरेक्शन का नहीं पता होता और वो कचरा फिर फैल जाता है। ऐसे करके मतलब ये झाड़ू लगा रही है लेकिन काम मेरा बढ़ रहा है, क्योंकि मतलब इधर से उधर कचरा फिर कर देती है, मैं फिर वहाँ से मार कर लेकर आती हूँ झाड़ू को, मतलब मारना मतलब लगाना, झाड़ू को लगा कर लेकर आती हूँ तो फिर मतलब फिर फैला देती है। मतलब ऐसे करके हम दोनों माँ बेटियों ने झाड़ू कंप्लीट कर दिया। मतलब जो काम आधे घंटे में होना था वो मतलब पौन और एक घंटे के अंदर हो गया, मतलब थोड़ा टाइम लग गया, कोई बात नहीं कंप्लीट हो गया। हाँ ये है कि इसका बेचारे का टाइम पास होता रहा। हाँ मतलब फ़ोन नहीं देखे तो सही है, क्योंकि मैं फ़ोन देख कर इसको राजी भी नहीं होती हूँ कि मैं ये कहूँ कि हाँ बेटा फ़ोन देख ले। मैं बहुत कम कहती हूँ कि बेटा फ़ोन देख ले। हाँ मतलब ये खाना खाती है तब इसको फ़ोन ज़रूर देती हूँ, क्योंकि उसके सारे है ना खाना ठीक खा लेती है, मतलब लगभग एक रोटी के बराबर खा लेती है। यदि फ़ोन नहीं मिलता तो ये रोटी नहीं खाती है, एक बुड़की खाएगी, दो बुड़की खाएगी और फिर चलती बनती है। झाड़ू कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं लग जाती हूँ यहाँ से धोने के लिए, और मशीन के अंदर आज मैंने कपड़े डाल दिए हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, मतलब काफ़ी तेज़ क्लियर धूप आई हुई है। तो मैंने सोचा कि आज कपड़े मैं धूप मतलब मशीन के अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि 2 दिन के हो गए थे, कल बृहस्पतिवार था, कल मैंने कपड़े धोए नहीं और एक आज शुक्रवार, 2 दिन के हो गए तो मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं। और देखिए यहाँ से धोने का काम शुरू कर दिया है, मतलब यहाँ से धोने का काम और मतलब पोछे वगैरह का काम होगा तब तक क्या मेरे दो मतलब 2 भर के कपड़े हो जाएंगे। और मतलब एक भर के तो डाल दिए, एक भर के और डाल दूंगी, और मतलब ऐसे करके मतलब जब तक मेरा काम कंप्लीट होगा कपड़े धूप जाएंगे, नहीं तो मेरे को हाथ से धोने पड़ेंगे। लेकिन आज धूप बिल्कुल क्लियर है तो मैंने मशीन के अंदर डाल दिया और ऐसे करके मेरे कपड़े भी धूप जाएंगे। और देखिए मेरी पूरी सफाई नीचे की कंप्लीट हो गई है, अभी ऊपर की तो मैंने शुरुआत भी नहीं की है, सिर्फ नीचे की कंप्लीट की है। देखिए पूरा पूरा पोछा गिलना पड़ा हुआ है, क्योंकि मतलब धूप तो निकल चुकी है लेकिन मतलब ठंडा मौसम है तो उसके अंदर पोछे को सूखने में टाइम लगता है, बस यही फ़र्क है। और ये देखिए पूरी अंदर की भी कंप्लीट हो गई है, पंखा मैंने चला रखा है लेकिन फिर भी मतलब पूरा का पूरा गिलना है, टाइम लगता है सूखने के अंदर लेकिन लग जाएगा। हाँ लेकिन कंप्लीट हो गई है, डस्टिंग वगैरह सब कुछ, बर्तन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया, मशीन में कपड़े धूप रहे, मतलब काम कंप्लीट होने को हो गया। मेरा बाबूजी मिट्टी के साथ में खेल रहा है, चम्मच को ले रखा है, और ये गौ माता वो है मतलब जिनको आज सुबह की बनी हुई रोटी दी है, मतलब कल पहले वाली को दी वो रात को बची हुई थी और अब दी है वो आज सुबह जो बनाई थी वो, मतलब डेली की डेली हम गौ माता की रोटियां बनाते हैं, मतलब पहली रोटी गौ माता की निकलती है उसके बाद में वो रोटियां बनती हैं और जितने भी दिन में बच जाती हैं रात को बच जाती हैं वो गौ माता को अगले दिन दे देते हैं और डोगी को भी देते हैं, लेकिन डोगी खाते नहीं है, मतलब रोटियां खाकर राजी नहीं होते हैं इसलिए डोगी को बहुत कम देते हैं, हाँ गौ माता को दे देते हैं क्योंकि हमने डालकर देख रखा है, फिर मतलब डोगी छोड़कर चला जाता है फिर उसको गौ माता ही खाती है। उसके बाद में मैं कपड़े लेकर ऊपर आ जाती हूँ, मैं कपड़े फैला रही हूँ, मेरा बाबूजी झाड़ू लगा रहा है, मतलब वो पूरी मदद करा रहा है हर काम के अंदर, क्योंकि वो कपड़े इसलिए नहीं सुखवा रहा क्योंकि उसका हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, कोशिश तो कर रहा था लेकिन नहीं पहुँच रहा था तो बार बार मेरे को अप डाउन करना पड़ता, मतलब एक बार उसको नीचे रखती फिर वो कपड़ा लेती तार पर डालती, मतलब ऐसे करके बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो मैंने उससे कहा बाबूजी आप झाड़ू लगाओ मैं कपड़े डालती हूँ, तो मैं कपड़े डालने लग जाती हूँ और चेष्टा बाबू देखे आराम से झाड़ू में मेरी पूरी मदद कर रहा है। उसके बाद में मतलब गुनों के पापा ने कहा सब्जी वगैरह देख लेना मतलब लगी हुई हो तो, क्योंकि दिवाली से पहले मतलब 11 या 12 तोरियाँ निकली थी उसके बाद में मैंने चेक नहीं किया है, फिर मेरे को एक भी त्योरी नहीं मिली है। हाँ कल परसों एक त्योरी निकल गई थी, वो ऊपर से ही तोड़ दी थी, मतलब छज्जे पर नहीं उतरना पड़ा था, हाँ लेकिन वहाँ से उतर कर मतलब तोड़ दी थी, तो कोई भी सब्जी नहीं उतरी है और एक त्योरी की सब त्योरी यहाँ से उतरी थी जब ये पिप्पे के अंदर लगी हुई है, बस मतलब 2 त्योरी हैं। करेला भी एक भी नहीं मिला मुझे, मतलब कोई भी सब्जी नहीं मिली है। और ये देखिए ऊपर की भी सफाई कंप्लीट कर दी है दोनों माँ बेटी ने मिलकर, मतलब देखे नीचे की भी कंप्लीट ऊपर की भी कंप्लीट, चेष्टा बाबू ने आज कितने सारे काम करा दिए हैं, मतलब यहाँ पर उसने झाड़ू को फैला रखा है क्योंकि उसको मतलब बस यह मदद पूरी कराती है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बेचारी से फैल जाता है क्योंकि ये छोटी बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत छोटी है। और उसके बाद में देखिए हम दोनों माँ बेटी फिर चल देते हैं
हैं क्यारी के अंदर, क्योंकि ये काम भी गुनों के पापा बता कर गए हैं कि इसमें हमने क्या है मेथी को बो रखा था। जो मेथी आती है खाने के लिए आती है, मतलब जो पेट वगैरह दुखता है तो उसके अंदर यूज करते हैं, तो उस मेथी को हमने बो दिया था, तो उसका क्या है मतलब पूरी की पूरी वो उगी नहीं है। तो उसको गुनों के पापा ने कहा कि इसको मतलब जितनी भी निकल चुकी है उसको तोड़ लो और इसकी खुदाई करके दोबारा जो मेथी का बीज आता है वो लाकर बो दूंगा, क्योंकि ये तो मतलब कामयाब हुई नहीं, तो बीज लाकर बो दूंगा। तो ये देखिए उसके बाद में हमने पूरी की पूरी खुदाई कंप्लीट कर, मतलब खुदाई नहीं की हमने, सिर्फ तोड़ा तोड़ा है। खुदाई वगैरह के गुनों के पापा कर देंगे, मतलब कस्सी से नहीं करते हैं वो, खुरपी से ही करते हैं। कस्सी का काम मैं बहुत कम करने देती हूँ, क्योंकि उनका मतलब ऑपरेशन हुआ हुआ है तो मैं नहीं करने देती, हाँ खुरपी से कर लेते हैं। और मतलब में कि बहुत चीज़ें हमने बो रखी हैं, ये हमारी शाम की चाय है जो बाबा जी को दे दी है, और ये मेरी रात की बाबा जी की ज्योत है, जय मेरे पितर देवा, ये भी हम हर दिन लगाते हैं। मेरा बाबूजी और मतलब दोनों बाबूजी कर रहे हैं मोमोज पार्टी, मतलब देखिए कितने हैप्पी है। मतलब बाहर की चीज़ें फास्ट फूड मिल जाओ जन्नत है इनके लिए। और फिर बाबा जी सो जाते हैं और मेरे लाडू जी भी सो जाते हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत मस्ती करता हूँ मम्मी के साथ में, उसके बाद में मैं सुला देती हूँ। आज का दिन बहुत 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 अच्छा था, और मैंने और बाबूजी ने सारे काम मिलकर किए। ओके फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं।